ये कहानी है 15 अगस्त की, जिस दिन हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। सारा देश स्वतंत्रता दिन बड़े ही धूमधाम से मना रहा था। सभी जगह ध्वजा वंदन हो रहा था, देशभक्ति पर गीत गूंज रहे थे। इस धूमधाम में कुछ बच्चे अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर और हाथों में तिरंगे लेकर उन तिरंगों को बेच रहे थे। सभी लोग उनसे तिरंगे खरीद रहे थे। स्कूल के बच्चे भी उनसे तिरंगे खरीद रहे थे। स्कूल के बच्चे नए नए कपड़े पहनकर और हाथों में तिरंगे लेकर घूम रहे थे। हाथों में 3 रंगों के गुब्बारे लेकर खिलखिला रहे थे। तभी ये तिरंगे बेचने वाले गरीब बच्चे खड़े होकर एक टक उनकी तरफ देख रहे थे। उन बच्चों की आंखों में एक अलग ही चाह थी और मन में स्कूल के बच्चों की तरह जीने की आशा। फिर गरीब बच्चों के सभी तिरंगे बिक गए और वो बच्चे बहुत खुश हो गए। आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा था। सारे झंडे बिक गए और खाने को भी अच्छा मिला। हाँ भैया, हम कल भी झंडे बेचेंगे और कल भी अच्छा खाने को मिलेगा। फिर वो बच्चे वहाँ से चले गए। फिर दूसरे दिन सुबह सभी बच्चे फिर से तिरंगे लेकर उन्हें बेचने के लिए निकल गए। वो सभी लोगों से तिरंगे खरीदने के लिए कह रहे थे, अंकल लो ना, 10 का एक है लीजिए ना। अच्छा 5 का एक लीजिए। लेकिन सभी लोग उन बच्चों की तरफ आश्चर्य से देख रहे थे। कुछ लोग तो उन बच्चों का मजाक उड़ा रहे थे। अरे ये आज क्यों झंडे बेच रहा है, ए पागल हो गया क्या, ए चल भाग यहाँ से, आज कौन झंडे खरीदेगा। वो बच्चे फिर भी तिरंगे बेचने की कोशिश कर रहे थे। उन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, जो झंडे कल सब लोग मांग मांग कर खरीद रहे थे, वही झंडे आज कम पैसों में देकर भी कोई नहीं खरीद रहा। पर उन स्कूल में न जाने वाले नादान बच्चों को क्या पता क्या 15 अगस्त और क्या 16 अगस्त, उनके लिए तो सभी दिन एक जैसे। वो तो झंडे बेचकर 2 पैसे कमाकर दिन का गुजारा कर रहे थे। ये सारी बात स्कूल में जाने वाले कुछ बच्चे वहाँ खड़े होकर देख रहे थे। फिर वो बच्चे आपस में कुछ बात करके अपने स्कूल में चले गए। कोई अपना बैग खोलकर देख रहा था तो कोई अपने पापा से कुछ मांग रहा था, और एक बच्चा अपना पिग्गी बैंक निकालकर सभी लोगों के सामने जाकर पैसे जमा कर रहा था। और वे सब लोग मिलकर उन गरीब बच्चों के पास गए और उन्होंने जो भी पैसे जमा किए हैं वो उन बच्चों को दे दिए और उनके सारे झंडे खरीद लिए। इन बच्चों के झंडे खरीदने के प्रयास से उन गरीब बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई और ये बच्चे हाथों में तिरंगे लेकर भारत माता के नारे देते हुए अपने स्कूल में चले गए। इन बच्चों को देखकर लगता है आज सही मायने में हमारा भारत देश आजाद हुआ है। यही सोच हमारे भारत देश को आगे लेकर जाएगी। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं। हमें गर्व है इस सदी के इन बच्चों पर जो हमारे भारत देश की आजादी का जश्न सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर रोज मनाते हैं। जय हिंद।